नमो अरियंताय नमः, नमो सिद्धाय नमः, नमो आर्याय नमः, नमो उज्जायाय नमः, नमः लोय सर्वसाहुनम। मंच पर उपस्थित हसमुख भाई वोरा, संस्था के प्रमुख श्री नवीन भाई शाह, सचिव राजेश भाई जवेरी, परेश भाई वाधर, मेरे प्रिय मित्र, बड़े भाई, और जिनकी श्रद्धा के ऊपर मैं समझता हूँ मुंबई का हर व्यक्ति गर्व करता है, जिस प्रकार से ये धर्म के लिए बाकी कुछ भी छोड़ के सर्वप्रथम धर्म के रास्ते पे चलने वाले शायद ही गिने चुने इतने बड़े उद्योगपति आज देश में रहे हो, ऐसे निमेश भाई शाह। वैसे मेरा निमेश भाई का परिचय कराने वाले उनके ससुर मधुभाई शाह, क्योंकि मधुभाई और हमारे परिवार का संबंध मैं समझता हूँ 70 वर्ष का संबंध है, 70 years। और जब निमेश भाई उनके दामाद बने उसके बाद ही मैं निमेश भाई को मिला, तो वास्तव में तो मेरे लिए कनेक्ट मधुभाई के साथ पहले है। माननीय हितेन शेठ जी, सभी अयोध्या नगरी में आज जो हमारे भाई बहनों ने इतना सुंदर कार्यक्रम हम सबको दिखाया और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आज इस बहुत ही शुभ अवसर पर, जब हम सोनगढ़ में एकत्रित हुए हैं, आप सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं। मुझे पता नहीं क्या शब्दों से मैं शुरू करूं, क्योंकि वास्तव में जिस श्रद्धा के साथ, जिस प्रेम भाव के साथ माननीय निमेश भाई ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, वो अपने आप में विचित्र था। लेकिन आज से 1.5 साल पहले जब निमेश भाई ने इस कार्यक्रम की कल्पना करी, इस कार्यक्रम की तिथि तय करी और आपके ट्रस्ट ने पूरे ने ये सोचा कि 22 जनवरी को आप ये कार्यक्रम सोनगढ़ में करेंगे और पूरा हफ्ता इसकी तैयारियां की, तब किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को भी ये पता नहीं था कि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी 22 जनवरी 2024 को आने वाला। अब इससे ज्यादा दिव्य संदेश और कोई नहीं हो सकता है। और अयोध्या की पावन नगरी में अभी अभी जो कार्यक्रम हुआ गर्भगृह में, हमारे तीर्थंकर का जो कार्यक्रम हम सबने सुंदर कार्यक्रम देखा, लगभग उसी समय आज ही के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भी आज गर्भ का कार्यक्रम चल रहा है। ये साधारण कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई साधारण विषय नहीं है कि दोनों दिन एक साथ आए, एक साथ इस कार्यक्रम का रचना हो। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब, जब प्रभु श्री राम का आज दिव्य स्नान हो रहा है 125 कलशों के साथ अयोध्या में, उसी समय हम यहाँ पर इस गर्भ कल्याणक कार्यक्रम का, तीर्थंकर जी के गर्भ कल्याणक कार्यक्रम का उसी दिन यहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं, ये
मेरा भी सौभाग्य है और मैं तहे दिल से सभी माननीय ट्रस्टीज का, निमेश भाई का और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये सौभाग्य दिया आपने। वैसे आपको शायद ध्यान नहीं हो, लेकिन मेरी माँ भी दिगंबर जैन थी, उनका नाम भी चंद्रकांता जैन था। मधु भाई तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन लगभग बचपन से ही घर में भी, चाहे उनकी शादी वैश्य परिवार से हुई हो, लेकिन लगातार जिंदगी भर मुझे माँ के कारण जैन धर्म के साथ लगाव भी हुआ, जुड़ाव भी रहा। और आज से लगभग मुझे लगता है 37 से 38 साल हो गए हैं। अभी 37 से 38 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला श्री महावीर जी में दर्शन लेने का, दर्शन करने का, और पिछले 37 वर्षों से एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया है जब मैंने श्री महावीर जी में जाके अपनी पूजा आराधना ना की हो। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाकर वास्तव में मैंने कोई फेवर नहीं किया है, आप सबने मेरे ऊपर उपकार किया है। और जो भावना, जिस विचार के साथ जैन धर्म शुरू हुआ, जिस प्रकार से एक धर्म ने लोगों को जोड़ा सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, जिस प्रकार से जैन धर्म के हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भावना रहती है, जिस प्रकार से ये जो बहुत ही तकलीफ में दुनिया गुजर रही है, जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, जिधर देखो वहाँ युद्ध की खबर आती है, दिन रात लोग परेशानी में रहते हैं, एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, ऐसे वैश्विक परिस्थितियों में मैं समझता हूँ जैन धर्म का जो संदेश है, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचार्य का और अपारिग्रह का, ये संदेश पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है, विश्व के लिए एक नई दशा का स्वरूप बन सकता है। पांच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो श्री दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का महोत्सव सोनगढ़ में मनाया जा रहा है, अपने आप में एक देश और विश्व के लिए नया संदेश लेके जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये जो आप पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, आज गर्भ का है, कल जन्म का, और आगे चल के अगर हम जैन धर्म को देखें तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये पांचों जिस प्रकार से एक जीवन को समेट लेते हैं, जिस प्रकार से श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, जो सुंदर प्रांगण बना है, मैं समझता हूँ हम तो राजनीतिक लोग हर बार कार्यक्रम के लिए ढूंढते रहते हैं कि कैसे अच्छा कार्यक्रम बनाए, कैसे अच्छा स्टेज हो, कैसे अच्छा मंडप पंडाल हो, तो मुझे तो आज एक मॉडल मंडप पंडाल और स्टेज देखने को मिल गया। इतना बड़ा पंडाल जिसमें एक भी पिलर ना हो, इतना बढ़िया स्टेज और इतने श्रद्धा भाव से आए हुए सभी श्रद्धालु, मैं समझता हूँ अपने आप में दिखाता है कि
कि अब सोनगढ़ का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है और कैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने जो एक पूरी सोच समाज में बदलने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी जी तक को आज से 100 वर्ष पहले अपने पूरे आंदोलन का स्वरूप बदलने के लिए प्रेरणा दी। 1920 में जब महात्मा गांधी जी ने अपने स्वाधीनता के आंदोलन का स्वरूप बदला, तब उसके पीछे श्रीमद राजचंद्र जी की सोच थी, उनका प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन में इतना गहरा था कि पूरी लड़ाई का स्वरूप बदलते हुए आगे चल के देश ने आज़ादी प्राप्त की। और सदैव महात्मा गांधी जी श्रीमद राजचंद्र जी के एक डिसाइपल के रूप में, एक फॉलोअर के रूप में उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी की बताई हुई बातों का पालन किया। और मैं समझता हूँ आज सोनगढ़ पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है, जिस प्रकार से देश भर में एक धर्म के प्रति क्रांति हो रही है, जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय हुआ है, जिस प्रकार से आज पूरा देश और अब तो पूरे विश्व भर में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल होने जा रहा है उसकी चर्चा है, इसी प्रकार से अयोध्या नगरी जो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी की भी जन्मस्थली थी, वो एक कितना अच्छा आज कोइंसिडेंस है कि हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं हमारे तीर्थंकर का, वहाँ पे प्रभु श्री राम जी का स्वागत हो रहा है। आप सब ने देखा होगा कि गत 10 वर्षों में किस प्रकार से अलग अलग धर्म स्थल को अच्छा किया जा रहा है, सुंदर किया जा रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो महाकाल उज्जैन में शिव जी का मंदिर हो, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ और चार धाम का नया स्वरूप हो। इसी श्रेणी में जो यहाँ पे इतनी सुंदर मूर्ति अब लगाई गई है, और मुझे निमेश भाई बता रहे थे कि एक ही 400 टन के पत्थर से, एक पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है, और आज भी मूर्ति का वजन 168 टन है, 168 टन्स की एक मूर्ति। मैं समझता हूँ अपने आप में एक अद्भुत, हम सब के लिए सौभाग्य है कि इसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आज इस हफ्ते हम सबको यहाँ शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सोनगढ़ एक प्रकार से बहुत विशेष स्थान है, साधना भूमि है, पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी की, और सही माने में यह अध्यात्म तीर्थ है, यह एक तीर्थ स्थान है, हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला स्थान है। जिस प्रकार से गुरुदेव श्री ने आज पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे 66 दिगंबर जैन के मंदिर बनाए हैं, नैरोबी में मंदिर बना, और अलग अलग केंद्र लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, सिंगापुर में, आज आपकी प्रेरणा से, पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से और श्रीमद् राजचंद्र जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से दिगंबर जैन धर्म का प्रसिद्धि और उसकी जानकारी विश्व भर में फैल रही है, जिस प्रकार से जैन धर्म ने शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया है, मैं समझता हूँ हम सब के लिए
एक बहुत सुखद हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस धर्म के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रीमद् राजचंद्र जी से बहुत प्रेरणा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि जैन समाज एक ऐसा समाज है जो हर वक्त सेवा भाव से अपना कार्य करता है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा की सेवा हो, समाज सेवा हो। जैन धर्म में एक बचपन से ही हर व्यक्ति को समाज के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, धर्म के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अभी अभी एक और संजोग है, लगभग सोनगढ़ में हमने प्रवेश करने के 5-7 मिनट पहले हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया अभी अभी, और पूछा मुझे कहाँ हो। मैंने कहा मैं निमेश भाई के कार्यक्रम में सोनगढ़ जा रहा हूँ, तो तुरंत बोले मैं भी परसों वहाँ पे जा रहा हूँ। और ये जो मैं जानकारियां दे रहा था महात्मा गांधी जी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव था, वो अभी अभी अमित भाई ने मुझे दी फोन पे, इसलिए एकदम माइंड में फ्रेश थी। और अमित भाई ने ये भी कहा कि वो स्वयं श्रीमद् राजचंद्र जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी में। और मुझे भी कह रहे थे कि तू निमेश भाई से किताब ले लेना और उनके बताए हुए रास्ते, उनकी सीख को अवश्य पढ़ना। अभी अभी मुझे उन्होंने बताया है। तो चूंकि मैं कोई मोमेंटो नहीं लेता हूं, तो निमेश भाई ये तो आप अपने अपने यहाँ पे रखिए अपने ट्रस्ट के ऑफिस में, लेकिन मुझे इसके एवज में एक किताब दीजिए श्रीमद् राजचंद्र जी। एक प्रकार से हम सब बहुत धन्य हैं कि हमने ऐसे समय में जन्म लिया है कि हम सब भारत के नए उभरते हुए स्वरूप, भारत के विश्व भर में जो आज लोगों को आकर्षण है भारत के लिए, जब भारत अमृत काल में एक विकसित भारत बनने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं, जब भारत तैयार है आज विश्व की कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए, जब भारत विश्व को नेतृत्व दे रहा है, जब भारत एक विश्व व्यापार में अपनी बड़ा छाप छोड़ रहा है, ऐसे समय में हम सब ने जन्म लिया, मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है। एक विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हम सबको दिए थे। मैं इसलिए उनको दोहराना चाहता हूं क्योंकि जैन धर्म और प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण में आपको बहुत सारी जुड़ाव की संभावनाएं दिखेंगी, बहुत ज़्यादा जुड़ाव। कैसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान में और जैन धर्म में है उसके आपको अनुभूति होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को 2047 तक हमने एक विकसित भारत बनाना है। जैन धर्म भी कहता है हमने अपना धर्म का पालन करना है। हम जो काम करते हैं, हम जो रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, हमारे दिनचर्या में काम करना अच्छी बात है, काम करके अपना जीवन अच्छा बनाना हम सबका धर्म है, हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन देना ये हमारा सबका कर्तव्य है। और जब 140 करोड़ लोग कर्तव्य भावना से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए निकल पड़ेंगे, जब हम सब अपना काम श्रद्धा भाव से धर्म को अपनाते हुए
और धर्म में दिखाए हुए रास्ते को अपनाते हुए, धर्म में बताए हुए सत्य की भावना से जब हम अपना काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ स्वाभाविक रूप से इस अमृत काल में भारत एक विकसित भारत बनेगा, 140 करोड़ भारतवासियों के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त काम से। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये जो गुलामी की मानसिकता देश में आ गई है, जो वर्षों वर्षों तक देश गुलामी में रहा, हमने उसकी परछाई से निकल जाना है, हमने इस गुलामी की मानसिकता को ध्वस्त करना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपने दिए हुए संस्कृति को, हमारी जो पुराने वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो हमारा हेरिटेज है, जो ट्रेडिशंस है, उसको अपनाते हुए हमने आगे जाना है। और मैं समझता हूँ हमारा धर्म भी, हमारा एक प्रकार से आस्था, हमारी अस्तित्व हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी का पक्का मानना है कि जब ये देश अपनी आस्था, अपने अस्तित्व को अपनाएगा, अपने धर्म को धर्म में से सीखेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तब देश की एकता और एकजुटता भी कायम रहेगी, तब देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और देश नारी शक्ति का भी सम्मान करेगा। और इस भावना के साथ मैं समझता हूँ जैन धर्म पूरी तरीके से यही भावना को हम सबको सिखाता है, जब वो अहिंसा की बात करते हैं, जब वो सत्य की बात करते हैं, सेवा भाव की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है कि हम सब मिलके इस नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो संयोग हुआ है, आज सोनगढ़ में गर्भ की पूजा हो रही है, गर्भ का उत्सव मनाया जा रहा है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म की तैयारी हो रही है, उनको गर्भ की पूजा की जा रही है, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे प्रभु तीर्थनों की, वहाँ पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक प्रकार से हम सब यहाँ बैठे हुए भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि कैसे भगवान के आगमन में हम सब का भी साथ था। प्रधानमंत्री जी ने एक बात इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी थी, राम मंदिर के कार्यक्रम के साथ, कि हम सब अपने अपने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, और स्वच्छ तीर्थ की बात रखी थी। मैं समझता हूँ वो भी जैन धर्म से ही उन्होंने देखी होगी, क्योंकि आज तक मैंने कोई जैन मंदिर नहीं देखा जो स्वच्छ ना हो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैन धर्म की जो सीख है, उसकी जो रेलेवेंस है, उसका जो प्रभाव है, वो कल भी था, आज भी है, और आगे आने वाले कल में भी रहेगा। और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस धर्म का पालन करते हैं, हम इस धर्म का से बहुत कुछ सीखते हैं, और देश भी जब इस सीख को अपनाएगा, जब पूरे देश के हर तीर्थ स्थल में हम स्वच्छता पा पाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से हमने जो सेवा की है, आप सब ने जो सेवा की है, आप सब ने जो जैन धर्म को जागृत रखा है, हमारे ट्रस्टीज, हमारे सभी महानुभाव जिस श्रद्धा भाव से अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं और कार्य करते हैं जैन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए, ये हम सब के लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। मैं नमन करता हूँ सभी ट्रस्टीज का और आप सब श्रद्धालुओं को, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आप सबका जीवन भी सुखद रहे, आप सबके जीवन में भी प्रभु की आशीर्वाद सदैव रहे। ऐसे दो ऐसे शुभ अवसर पर आपने मुझे आने का मौका दिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप हमारी साधना भूमि में पधारते रहें और यहाँ कर कुछ क्षण साधना करें, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ ही क्षणों में यहाँ गर्भ कल्याणक की पूजन होगी। जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्र। आपनी वच्चे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष भाई गोयल साहेब पोतानो अमूल्य समय व्यतीत करीने अहीं आगाड़ी एमनो अमूल्य समय फाड़वीने आपणी समक्ष हाजर थया।